तो आखिरकार गदर 2 थिएटर में आई गई और बस सच में इसने गदर मचा दिया। पर क्या गदर 1 के सक्सेस को गदर 2 ने मैच करा है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैं ट्रेलर में देखा था कि तारा सिंह का बेटा पाकिस्तान में फंस जाएगा और बाप उसको बचाएगा, तो वैसे ही कुछ स्टोरी है पर पूरी तरह नहीं। मूवी लगभग 3 घंटे की है। अगर फर्स्ट आपके बात करूं तो जहाँ पर सन्नी पाजी है वही सीन अच्छे लगते हैं, उनके अलावा बाकी किसी के एक्टिंग में आपको मजा ही नहीं आएगा। देख के तो ऐसा लगता है मूवी इसलिए बनाई गई हो। तारा सिंह का कैरेक्टर गदर 1 में, वही फीलिंग आपको इसमें भी आए, मतलब आपको नॉस्टैल्जिया फील हो, और वैसा इस मूवी में है भी। आप इस मूवी को तभी एंजॉय करोगे तो तारा सिंह का कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है। आपको फर्स्ट हाफ में सिर्फ स्टोरी बताई जाएगी और बाकी कैरेक्टर दिखाए जाएंगे। यहाँ पे सन्नी पाजी के बेटे को ज्यादा वक्त मिला स्क्रीन पे, यहाँ पे उनकी एक्टिंग कुछ खास है ही नहीं। उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत लूज लगती है और सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात है, सेकंड हाफ में ऐसा नहीं है। जब वो एक सीरियस मोड में आते हैं तब उनकी एक्टिंग अच्छी लगती भी है, पर इसमें की एक्शन की बात करें तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर लगता है। मतलब कुछ कुछ सीन में सन्नी पाजी कुछ भी उठा के फेंकते हैं जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, हैंडपंप समझ सकते हैं लेकिन वो भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सन्नी पाजी कुछ भी कर सकते हैं। पर जब गदर 1 में हैंडपंप उखाड़ा था सन्नी पाजी ने, तब लोगों ने वो एंजॉय भी किया था। और मास मसाला मौज में ऐसा होता ही है। और उसमें स्टार्टिंग में आपको गदर 1 का रिकैप दिया जाता है जहाँ पे आपको पहले स्टोरी बताई जाती है। और ओवरऑल देखे तो ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ मूवी देख सकते हो। तो अगर आपने गदर 2 देखी होगी आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर करना।